अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम एम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पर टाइमली मैनर में न्यूज़ और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक इनफॉर्म सीन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KSE 100 वीकली में हमारे पास जो सिचुएशन मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, हम उसके बहुत करीब पहुँच चुके हैं। एक दिन बाकी है वीकली क्लोज होने में दिस कैंडल, और उसमें हमारे पास वी आर राइट नाउ रीटेस्टिंग 0.236 लेवल विच इज़ 42,950 अप्रॉक्सीमेटली। अब देखना यह है कि कल हमारे पास इसके ऊपर क्लोज आता है या इसके नीचे क्लोज आता है। अगर प्रॉबेबली इसके नीचे क्लोज आता है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद अगर हमारे पास दोबारा फौरी तौर पर कैंडल ऊपर नहीं आती है, विच मीन्स या हमारे पास ये कैंडल रिट्रेस हो जाती है बाय नेक्स्ट वीक टू द डाउन साइड, मीनिंग कि अगर हमारे पास नेक्स्ट वीक की कैंडल ओपन होने के बाद क्लोज हो जाती है बिलो 42,167, देन दैट वुड मीन दैट इट वॉज अ रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद हम फर्दर कॉन्टिन्यूशन टू द डाउन साइड करेंगे। उसमें अगेन पहला टारगेट जो है वो वीकली पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज का होगा, और उसके बाद ब्रेक डाउन के बाद फर्दर टारगेट्स एज एक्सप्लेन जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 38,000 पॉइंट्स का टारगेट बनता है। सो ये है वीकली की पिक्चर एज ऑफ नाउ, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में है कि अगर हम 0.236 के नीचे क्लोज करते हैं और बाय नेक्स्ट वीक यानी कि बाय नेक्स्ट फ्राइडे हमारे पास कैंडल वापस रिट्रेस नीचे की तरफ हो जाती है। लेकिन अगर कल हम बाय एनी चांस ऊपर की तरफ क्लोज कर जाते हैं, विच मीन्स अगर हम 42,947 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं, तो फर्स्ट चीज़ जो होगी वो होगी कि देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, जो कि पहले एक प्रोबेबिलिटी आप कह लें कि उसकी परसेंटेज थोड़ी थी, तो वो प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि दिस इज़ अ बेयर ट्रैप और अ फॉल्स ब्रेक। और उसमें हमारे पास उसके बाद जो अगली कैंडल अगर वो सस्टेन कर जाती है ऊपर, विच मीन्स कि अगर वो 43,000 पॉइंट्स को होल्ड कर जाती है एज ए सपोर्ट, देन दैट वुड कंफर्म दिस एज ए बेयर ट्रैप और अ फॉल्स ब्रेक। और उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड कैन अकर, जिसमें हमारे पास जो वीकली मैकडी हिस्टोग्राम है उसके ऊपर 1, 2 और 3 स्टैप जो है मल्टीपल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर इट सेल्फ अबव 43,000 पॉइंट्स एंड देन वी कैन हैव अ मूव टू द अपसाइड। सो बी वेरी केयरफुल, टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे अलॉन्ग विद द वीकली क्लोज, और उसमें हमारे पास जो है वो सिचुएशन इस तरह से अगर बन जाती है ऊपर की तरफ तो वी कैन हैव अ मूव टू द अपसाइड। लेकिन यहाँ पे ध्यान से इस बात से रहिएगा कि हमारे पास वीकली क्लोज अभी हुआ नहीं है, और जब तक वीकली क्लोज होता नहीं है तब तक ऑफ कोर्स नथिंग इज़ डन अनटिल इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास वापसी की तरफ अगर ट्रेड नीचे की तरफ आती है नेक्स्ट वीक की कैंडल, तो दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो कन्फर्म ए लोकल टॉप ओवर हेयर और स्पाइक हाई, और उसके बाद स्पाइक हाई के बाद हमारे पास दोबारा नीचे मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमारे पास विदाउट मेकिंग हायर लोअर हाई मार्केट नीड्स टू कम अबव दिस पॉइंट विच इज़ करेंटली स्टैंडिंग एट 43,165, और अगर इस पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं, विच मीन्स कि अगर हमारे पास ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है, तो देन दैट मीन्स कि हमारे पास जो सिचुएशन थी ऑन दी RSI ऑफ अ हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट और जो पॉइंट हमारे पास आप देख सकते हैं RSI इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आया विच इज़ कॉलिंग इन फॉर द डाइवर्जेंस, और लोकल टॉप फॉर्म होने की सूरत में हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो प्ले आउट होना शुरू हो जाएगी टू द डाउन साइड। उसमें हमारे पास फर्स्ट चीज जो होल्ड करने के लिए है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अलॉन्ग विद द 0.236 लेवल एट 42,234। लेकिन यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस कन्फर्म हो जाती है तो ऑफकोर्स द पुल बैक इज गोइंग टू बी अलॉट बिगर वन देन दिस 0.236 लेवल। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला लेवल है 43,165, अगर ये कल अबूर हो जाता है तो एक तो हमारे पास हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी जो है डेली की अवॉइड हो जाएगी, और साथ ही साथ वीकली में हमारे पास 43,000 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज मिल जाएगा, विच इज़ गुड फॉर बोथ टाइम फ्रेम्स, और दोनों टाइम फ्रेम जो है वो अलाइंड हैं, एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे पास 43,000 के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर क्लोज चाहिए। अगर क्लोज नहीं मिलता तो डेली पर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, और वीकली के ऊपर एक आपके पास रेजिस्टेंस का रीटेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दो इट्स अ वेरी मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर KSE 100 राइट नाउ, और वो कल के दिन में प्रॉबेबली नज़र आ रहा है कि शायद डिसाइड हो जाए इस दफ़ा। और जो आवरली टाइम फ्रेम है इसमें आपके पास फर्स्ट टेलटेल साइंस मिलेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सो आवरली के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो ये कि हमारे पास जो MACD, और मैंने उससे पहले आपको RSI दिखाई थी कि हमारे पास RSI में हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है ऑन दी आवरली चार्ट बिटवीन दिस पॉइंट, जो कि एक फैंटम डाइवर्जेंस है बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक लोकल हाई ऑन दी RSI। इसी तरह आपके पास यहाँ पर ये प्राइस सेक्शन यहाँ पर बहुत नीचे है, जबकि यहाँ पर प्राइस सेक्शन बहुत ऊपर है और RSI नीचे है, विच मीन्स कि देर इज़ अ डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस जो है दैट इज़ गोइंग टू बी बेरिश, और बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो कन्फर्म भी हो चुकी हुई है विद अ लोकल टॉप ओवर हेयर, इट इज़ अ कन्फर्म डाइवर्जेंस। अब इसमें कॉन्टीन्यूटी आती है, कहाँ तक आती है, दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू एनालाइज।
और उसमें हमारे पास जो सबसे पहला मैट्रिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी फिबोनाची, और फिबोनाची को आप रिट्रेस कर लें। लास्ट मूव जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियसली हम इस वाले मूव को रिट्रेस कर रहे थे, वंस वी क्लोज अबव द 0.618 ऑफ दिस मूव, ठीक है, ये वाला छोटे वाले मूव की जब हमने कर ली थी, मैं बल्कि आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो दिस वॉज द फिबोनाची दैट वी वर रिट्रेसिंग बिफोर, जिसमें हमारे पास 0.618 के ऊपर जब यहाँ पे क्लोज मिल गया, उसको सपोर्ट के तौर पे होल्ड किया, वी हैड अ फर्दर मूव, जिसके बाद हमने फिबोनाची फर्दर ड्रैग की फ्रॉम द वेरी सेम लो ऑल द वे अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। इसको अगर आप रिट्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके 0.618 को भी ब्रीच कर दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 0.786 एग्जैक्टली रिजेक्शन आई है, और रिजेक्शन के बाद हम दोबारा वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स दी 0.618। अब यहाँ पर अगर 0.618 होल्ड कर जाता है विद इन लाइक फर्स्ट टू और थ्री आवर कैंडल्स ऑफ टुमारो, तो हमारे पास दोबारा जो है वी माइट हैव अ चांस बाय द एंड ऑफ द डे कि हम दोबारा ऊपर की तरफ चले जाएं और वापस ऊपर की तरफ 0.786 को ब्रेक करके क्लोज कर लें। इन दैट केस हमारे पास डेली भी सेव हो जाएगी और हमारे पास वीकली भी सेव हो जाएगी। सो आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास 0.618 विच इज़ एट 42,447, ये लेवल होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस लेवल के वापस नीचे ब्रेक कर जाते हैं, एक तो हम 0.618 लूज़ कर जाएंगे, विच मीन्स वी कैन नॉट स्टे बुलिश ऑन दिस मूव एनी मोर, और उसमें हमारे पास दूसरी चीज़ ये कि डेली पर डाइवर्जेंस कन्फर्म हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ पुल बैक, और थर्ड कि हमारे पास वीकली जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी पॉसिबल हो जाएगा कि अगर वो वही जो ट्रेड है कंटिन्यू रहती है और वो बाय नेक्स्ट फ्राइडे हम 42,100 पॉइंट्स के कहीं लगभग क्लोज होते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो कन्फर्म द 0.236 लेवल ऑन द वीकली, ये वाला जो लेवल था कि ये लेवल जो है वो एज ए रेजिस्टेंस कन्फर्म हो जाएगा, और वापसी की तरफ हमारे पास ये एक रीटेस्ट कन्फर्म होने के बाद नीचे वापस मार्केट ट्रेस बैक कर जाएगी। सो इन दोनों चीज़ों का जो पहला मेट्रिक है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम विच इज़ 42,447 लेवल, उसमें 21 एक्सपोनेंशियल भी उसके साथ अलाइंड है करेंटली। इसी तरह जो डेली में है हमारे पास, डेली में रिट्रेसमेंट में हमारे पास 0.382 अलॉन्ग विद द लास्ट प्रीवियस हाई ओवर हेयर, ठीक है, 43,165 लेवल है वहाँ पे, और 55 एक्सपोनेंशियल अलॉन्ग विद द 0.382। तो आपको यहाँ पे नज़र जो है वो इसी पे रखनी है कि हमारे पास ये जो लास्ट लोकल हाई है इसको ब्रेक करें और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज हो बाय द एंड ऑफ टुमारो, और हमारे पास अगर वापस नीचे आते हैं और 0.618 को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू नल एंड वॉइड द सिचुएशन, क्योंकि उसमें हमारे पास 0.618 भी लूज़ कर जाएगा जिस तरह मैंने बताया, और डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी, एंड थर्डली वी विल प्रोबेबली हैव टू लिंगर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में इसलिए मैं कह रहा हूँ लिंगर ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वी विल हैव टू सी कि जो अगला वीकली क्लोज है वो कहाँ पे होता है। अगर हो सकता है ये वाला वीकली क्लोज नीचे भी हो गया तो अगला वीकली क्लोज थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद दोबारा 0.236 के ऊपर क्लोज कर जाए, लेकिन अगर वो क्लोज अगले फ्राइडे को नीचे कर गया अराउंड 42,137 पॉइंट्स, देन दैट इज़ गोइंग टू कन्फर्म द रीटेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन, और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पर जा सकती है। उसके लिए डाउन साइड के टारगेट एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। डाउन साइड की तरफ हमारे पास ये इट वॉज सपोज टू बी अ डिसेंडिंग ट्राइंगल समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास फेक आउट हुआ था जिसकी वजह से आई क्रिएटेड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेक आउट टूवर्ड्स द डाउन साइड एज वेल, क्योंकि स्विंग फेलियर पैटर्न जो होते हैं वो दोनों साइड पे क्रिएट होते हैं, जब वो एक साइड पे क्रिएट होते हैं तो दूसरी साइड पे भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, सो उसकी वजह से वी वर कंसर्न्ड, और जिसकी वजह से वी वर अबाउट टू यू नो से कि हमारे पास ये बाउंस आया या हमने वो बाउंस आता हुआ देखा। सो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है उसमें हमारे पास जो उसका टारगेट होता है यू कैन मेजर इट समवॉट लाइक दिस, और उस टारगेट को जहाँ से ये ब्रेकआउट होता है वहाँ पे आप रख देते हैं, एंड यू कैन सी द टारगेट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द वे डाउन टू 37,500 और 600 पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 38,000 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसको एक्सटेंशन लेवल से रिट्रेस करें फ्रॉम द फिबोनाची तो यू कैन सी कि हमारे पास जो एक्सटेंशन लेवल है वो भी अलाइंड है, जो 1.618 एक्सटेंशन लेवल है एट 38,000 पॉइंट्स। सो इस लास्ट मूव को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो फिबोनाची भी हमें वही टारगेट देती है समवॉट, अगर हम इस पॉइंट को जो कि 40 जो कि इस वक्त 0.236 लेवल है 42,947 पॉइंट्स, इसको अगर हम नीचे की ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाते और रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करते हैं इन दैट सिनेरियो। सो टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वॉच आउट फॉर ऑल दीज मेट्रिक्स। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।